मैं आप ही से कर लेता हूं गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र की दुहाई आप भी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी दे रही है? यानी आप भी कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत है, वो भी कह रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र पे बीजेपी कुठाराघात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र का मंदिर देश की संसद चल क्यों नहीं रही है? अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वक्तव्य वॉइस एको कर रही है, अगर ठीक करा दे प्लीज अमित जी। जी कहिए बात। देखिए, जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कल आप ही के कार्यक्रम में कहा है ना, तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि सीबीआई इनके समय में तो पिंजरे का तोता सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बना दिया है, हमारे समय में भ्रष्टाचारियों को काट रहा है सीबीआई और ईडी, ये निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं। और अगर आप इस तरह का वक्तव्य देंगी कि हमारे पास दे दो और हम तीसरे मोदी को एंटीगुआ भेज देंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा, पहली बात तो ये जनता आप पे कभी भरोसा करने नहीं वाली, क्योंकि आप कट्टर बेईमान हैं और आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय राजनीति में किसी ने देखा नहीं, वो गांधी परिवार है। और मोदी जी ने तो वो कर दिखाया है कि आज हम सब जानते हैं किस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, अगला चुनाव आने दीजिए 2024 का और आप नेस्त नाबूद हो जाएंगे। दूसरी बात, बिल्कुल राहुल गांधी मीर जाफर है आधुनिक युग के। क्यों ये क्यों कहा? क्यों मैं कहता हूं, देखिए हाँ मैं बताता हूं। सबसे पहले आप ये बताइए कि चीन के साथ देखिए ये समझौता जो किया है, ये समझौता किसने किया है? राहुल गांधी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। 60 सेकंड हो गए जी। चीन से रिश्वत किसने ली है? चीन से रिश्वत किसने ली है जी? जवाब, वो रिश्वत भी इन्होंने ही ली है। विदेशी धरती पर जाकर जवाब, भारत का अपमान करना, झूठ बोलना, और झूठ क्या है मैं वो बता दूं। अभी मेरा एक मिनट पूरा नहीं हुआ। एक मिनट पूरा हो गया, एक मिनट से ज्यादा हो गया, एक मिनट 15 सेकंड हो गए। मैं वापस आपको मौका दूंगा, आप ही दोनों है चर्चा के अंदर, तो मौका दोबारा मिलेगा। 7 सेकंड का वक्त सुप्रिया श्रीनेत का है। सुप्रिया, क्या आपको लगता है राहुल जी जो 28 फरवरी को कहते हैं, जो 4 मार्च को कहते हैं और जो 6 मार्च को कहते हैं, उन तीनों उनके बयानों में एक बड़ा विरोधाभास है? बीजेपी उसी मुद्दे को लेकर कह रही है कि माफी मांगनी पड़ेगी लेकिन उसके बिना सदन नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है कि डेडलॉक तो तोड़ना पड़ेगा? कौन तोड़ेगा? हु विल ब्रिंग द आई फर्स्ट? भाजपा की ओर से, भाजपा के रंग में, भाजपा के चश्मे पहन के कोई देखेगा तो उसको विरोधाभास लगेगा। इसमें कतई विरोधाभास नहीं है। मैं 2-4 बातें बोल देती हूं और वो बातें बोलनी जरूरी है। हिंदुस्तान का सदन 7वें दिन नहीं चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष हंगामा मचा रहा है, सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई में अवरोध बन रहा है, सत्ता पक्ष नारेबाजी कर रहा है, सत्ता पक्ष वेल में उतरा हुआ है। 75 साल आजाद हिंदुस्तान में सत्ता पक्ष ने कभी सदन की कार्रवाई स्थगित कराने का काम नहीं किया था, वो भी मोदी जी ने कर दिखाया। और सिर्फ इसलिए कर दिखाया कि अडानी के सवालों पर जवाब ना देना पड़े, अडानी पर बोलना ना पड़े। मैं तो इनको चैलेंज करती हूं, आप कॉमेडी सेंट्रल वालों को बुलाकर मीर जाफर आफर कहलाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जयचंद्र की फौज आपकी भरी हुई है, जिन्होंने आजादी में एक नाखून नहीं कटवाया वो यहां पर आकर बात कर रहे। मैं तो कहती हूं, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा है? एक मिनट रुक जाइए, राहुल गांधी जी ने अगर कुछ गलत कहा है तो हिम्मत है सदन में बोलने दीजिए उनको, सदन में नहीं बोलने देंगे क्योंकि अडानी पर बोलेंगे और इनकी पोल पट्टी और खुल जाएगी। सदन को स्थगित करने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है और यहां पर अपेक्षा विपक्ष से की जा रही कि हम डेडलॉक तोड़ेंगे। हम तो डेडलॉक तोड़ना चाह रहे थे, 200 सांसदों को 2000 पुलिसकर्मी रोक रहे थे। यह है मोदी जी का डर और यह है मोदी जी का भय। अडानी का नाम सुनते ही ऐसे गला सूखता और ऐसे पानी पीते कांपते हाथों से जी। लेकिन लेकिन कल गौरव भाटिया, आपने उस चर्चा को आप बीच में भी लेके आए, कल सुप्रिया जी ने हमारी चर्चा थी उसमें बोला कि अगर 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमें दे दें तो एंटीगुआ में होगा दूसरा मोदी। लेकिन बड़ा बड़ा प्रश्न ये है गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि डेडलॉक तोड़ना सरकार का काम है? और मीर जाफर की बात तो आप ही के प्रवक्ता ने पहले करी, यानी डॉक्टर संबित पात्रा ने करी, अब सोर्सेस कह रहे हैं कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकती है कांग्रेस पार्टी।
एक एक करके उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, थोड़ा समय और बीत जाए, अभी न्यायालय का जब आदेश आएगा, भ्रष्टाचारी गांधी परिवार जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पर बेल पर बाहर हैं, आप देखेंगे कि ये राहुल गांधी हु इज एक्चुअली सेंट्रल टू द कांग्रेस कॉमेडी, ये खुद जाके कोटरोची मामा के गोद में बैठे होंगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। मैं दूसरी बात पे आता हूं, इन्होंने कहा कि हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चले। अच्छा, आज तो राज्यसभा के चेयरपर्सन ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, अमित जी ये वहां पे क्यों नहीं गए? ये तो एक प्रश्न है जो आपको पूछना चाहिए। तीसरी बात मैं जो बड़ी उठाना चाहता हूं, आप अगर समझे तो इनसे पूछिएगा और इनमें हिम्मत है तो जवाब देंगे, क्यों राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके झूठ बोलते हैं? मुझे वो वक्तव्य दिखाइए नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो कि सिख जो है, मुसलमान जो है, वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक है भारत में। पहला सवाल जो झूठ बोला ना राहुल गांधी ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत की संसद में माइक म्यूट हो जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। 7 फरवरी 2023 राहुल गांधी 43 मिनट 41 सेकंड संसद के पटल पर बोले कि नहीं बोले? वो बोले क्या हम सब जानते हैं, बिना तथ्यों के झूठ बोल रहे थे, लेकिन बोले कि नहीं बोले? इसका मतलब दूसरा झूठ बोला उन्होंने विदेशी धरती पे। जी, जी, भारत जी, के लोकतंत्र को, संसद को, जुडिशरी को, मीडिया को, हर किसी को बदनाम करने की ये साजिश करते हैं। मीर जाफर नहीं बुलाएंगे तो क्या कोई और जाफर बुलाएंगे? अरे ये है मीर जाफर और इसीलिए इनको मीर जाफर बुलाया जाता है। और तीसरा झूठ भी पकड़ देता हूं, इन्होंने विदेशी धरती पर कहा अमीर जी कि मैं कैम्ब्रिज तो आ सकता हूं लेकिन भारत के किसी विश्वविद्यालय में नहीं जा सकता। जी, ये विषय पहले भी आप मुझे बताइए, JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारे लग रहे थे, राहुल गांधी वहां पहुंचे थे 2016 में, तो क्या विश्वविद्यालय नहीं था? दिल्ली यूनिवर्सिटी 2019 में, पुणे में 2019। जी 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 जी, ये वक्तव्य आपने पहले भी रखा। मेरा निवेदन एक निवेदन है कि दोनों अपने समय सीमा के दायरे में बोले। सुप्रिया, कल आपने जो बात बोली कि हमें 3 घंटे के लिए CBI और ED दे दीजिए, एंटीगुआ में होंगे प्रधानमंत्री मोदी, यानी आप कह रही हैं कि वो भाग जाएंगे, इस तरह की संदर्भ आपने यूज करा। क्या मैं जान सकता हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर हम पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं, मोदी से विरोध हो सकता है लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री तो है ही, तो क्या करें? सवाल आपका समझ नहीं पाई मैं। तो सवाल यह है कि आप उनको एंटीगुआ भेज रही हैं और आप कहती हैं कि सीबीआई और ईडी, सीबीआई ईडी का बीजेपी मिसयूज कर रही है, तो आप कह रही हैं कि हम भी आएंगे तो हम भी मिसयूज कर, हम भी इतना बड़ा मिसयूज करेंगे, हम मोदी को ही पकड़ लेंगे। तो आपने दो बातें अच्छी कही, एक आपने मान लिया कि मिसयूज हो रहा है और दूसरा आपने खुद ही कहा कि यह कहना गलत था। अगर यह कहना गलत था तो 4 बार के चुने हुए सांसद को मीर जाफर कहना सही था? दो विरोधाभासी बातें अब यहां पर हो रही हैं। अगर मोदी जी को मैंने गलत कह दिया तो चुने हुए सांसद को मीर जाफर एक आदमी आकर कहेगा और हम सुनेंगे चुपचाप? क्या जबरदस्त बात आप कर रहे हैं? तो आपने भी तो जयचंद बोल दिया, वो भी मिसयूज कर रहे हैं, हम भी मिसयूज की बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कह रहे हैं। एक मिनट आप रुक जाइए, 2 मिनट सुनिए। जी जी जी, 17 मार्च को इस देश का संसद, नॉट माइक, माइक ऑफ होना तो कॉमन बात हो गई, इस देश का संसद, लोकसभा की कार्यवाही 16 मिनट के लिए म्यूट कर दी गई। कोई मुझे समझा सकता है वो म्यूट क्यों किया गया? और सरकार की ओर से अभी तक एक बार भी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं आया उस म्यूट होने का, क्यों किया गया? मैं आपको समझाती हूं। सत्ता पक्ष नारेबाजी कर रहा था, माफी मांगो माफी मांगो। जब इधर से नारेबाजी होने लगी कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दो मौका दो, मुस्कुराए स्पीकर, थोड़ा हंसे, सदन की कार्यवाही म्यूट हो गई। इस देश के सदन की कार्यवाही को म्यूट करने का अधिकार इस देश की सरकार को भी नहीं है, यह याद रखिएगा। यह लोकतंत्र है, लोगों के हाथ में सत्ता है, लोगों के हाथ में पावर है। संसद के टेंपल को, संसद के मंदिर को म्यूट करने का जो घिनौना काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है वो अपने आप में काला धब्बा है इस देश के लोकतंत्र पर। और सुनना चाहते हैं, सुनिए, आपको आगे बताती हूं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मेहुल भाई, नरेंद्र मोदी जी के मेहुल भाई 5 साल से सरकार की आंख में धूल झोंक कर 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर चंपत हो गए। कल रात को
इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था वो भी हटा लिया, अब वो आ नहीं पाएंगे वापस। ये अलग बात है कि 44 करोड़ रुपए पहले खर्चा कर दिए गए थे एक फर्जी प्लेन भेजकर, उस पर ध्यान ना जाए तो सवेरे ये रायता फैलाया गया। सदन को गिरवी रखकर अडानी को बचाने का काम, ये बड़ा आरोप है आपका, जवाब इस पर होगा। सदन को गिरवी रखकर आप कह रही हैं, सदन को गिरवी रखकर एक उद्योगपति को बचाया जा रहा है, ये आपका बड़ा गंभीर आरोप है। लेकिन 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 एक बड़ा सवाल राहुल जी, मैंने जो आपसे मूलतः सवाल पूछा था, 28 फरवरी को कुछ कहते हैं, 4 मार्च को कुछ कहते हैं, 6 मार्च को कुछ कहते हैं राहुल, मैंने कल भी आपसे ये सवाल पूछा था जिस पर आपकी एक टिप्पणी थी जो कि अनुचित थी मुझे लगता है। आपने आपने कहा कि देखिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन 28 फरवरी को कुछ और कह रहे हैं, 4 मार्च को कुछ और कह रहे हैं, 6 मार्च को कुछ और कह रहे हैं, यानी लोकतंत्र के कई मापदंड राहुल जी को दिख रहे हैं। 3 दिन में 3 तरह का लोकतंत्र दिख गया। अब मुझे बोलने का जी अब मुझे बोलने का मौका दीजिए और आपको पूरा समय मुझे देना पड़ेगा। एक तो मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरी किसी भी टिप्पणी पर, क्या उचित थी क्या अनुचित थी। I neither give you the right nor the importance कि आप मुझे सर्टिफिकेट इशू करिए, तो प्लीज अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, आप अपना काम करिए, मुझे अपना करने दीजिए। सबको पता है कौन क्या कर रहा है यहाँ पे, मुझे आपसे टिप्पणी नहीं चाहिए कि मैंने अनुचित कहा या उचित कहा। आपने कल भी कहा था और आज भी कहा, इसलिए आपकी बात का मैं खंडन करती हूँ और जबरदस्त खंडन करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजी भी समझ में आती है और आपको हिंदी भी समझ में आती है। अब जान बूझ कर कोई मुगालते में रहना चाहे और झूठ बोले वो अलग बात है। मैं अपने 50 सेकंड अपने नेता को देना चाहती हूं, ये बात इस देश को सुननी पड़ेगी, इस देश को सुननी चाहिए और सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, और कोई विरोधाभास नहीं। अच्छा, किस दिन का भाषण आप चला रही हैं, वो डेट भी बता दीजिएगा, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं क्योंकि आप एक फॉरेन एलिमेंट लेके आ रही हैं डिस्कशन के अंदर, आप अपने अपने फोन से कुछ प्ले आउट करना चाहती है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं ये, लेकिन आप डेट भी बता दीजिए कि किस डेट का भाषण बता रही है, 28 फरवरी का, 4 मार्च का या 6 मार्च का, क्योंकि तीनों दिन अलग अलग बात कही गई है। एक दिन लोकतंत्र को बेहतर बताया गया है, दूसरे दिन गाली दी गई है, तीसरे दिन कुछ और कहा गया है। बोलिए, आप मुझसे बहस मत कीजिए। मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो फैक्ट्स रख रहा हूँ। आप बहस बीच में मत कीजिए, मैं तो फैक्ट्स रख रहा हूँ, बोलने दीजिए। आई एम जस्ट प्लेसिंग द फैक्ट्स। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूं। बोलिए बोलिए आप बोलिए मैडम। आपके फैक्ट्स गलत हैं, आपके फैक्ट्स झूठे हैं, आपके फैक्ट्स सरासर झूठे हैं, सरासर गलत हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक बार भी कोई विरोधाभासी बात नहीं कही। उन्होंने 28 फरवरी को भी लोकतंत्र को वैश्विक सौगात बताया भारत के, और ये कहा कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे आरएसएस और बीजेपी कब्जा कर रही है। यही बात उन्होंने बाद में भी दोहराई, और जो अब मैं क्लिप आपको सुनाने जा रही हूं, उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या आप दखल चाहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा, आपके लोगों को भी सुनना जरूरी है। डेट भी बता दीजिएगा, डेट डेट और सारा चरण चुंबक एटमॉस्फेयर झूठ बोलता है। You've spoken about democracy and trouble. माइक के पास ले जाइए, आवाज नहीं आ रही। Spoke about it yesterday and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away. So here's my question, two-parter. One, what are you the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, this is, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. उनसे एक सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बवाल मचाया हुआ था उनके वक्तव्य पे। एक मिनट, मैं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपने आपने बयान सुनाया, मैं कहता हूँ ये सही बयान दिया था राहुल गांधी ने, लेकिन तारीख बताइए ना। आई वॉन्ट टू नो द डेट, पीपल को, लोगों को डेट बताइए आप, तारीख क्या थी ये? हुआ यू नहीं, आप डेट तो बताएंगे ना, किस डेट को बोला? आप शायद आप शायद ना तो मेरी हिंदी समझ पा रहे हैं ना मेरी अंग्रेजी समझ पा रहे हैं। मैंने क्या कहा, उन्होंने एक वक्तव्य दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बवाल मचाया, उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया, ये सवाल का जवाब है। तो पॉइंट तारीख बताइए ना, यानी ये 4 मार्च के बाद हुआ ना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ अमीश जी, देखिए अमीश जी, इस तरह से आप बदतमीजी मत करिए मुझसे, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मुझे कह लेने दीजिए। नहीं नहीं, आई एम अलाउइंग एवरी कर्टसी मैडम, बट मैं तो एक सरल सवाल पूछ रहा हूँ, तारीख बताइए, ये 6 मार्च को बोला ना।
बदतमीजी करेंगे तो आप शो कर लीजिए, मैं बीच में बैठ के नहीं, बोल रही हूं ना। अगर भारतीय जनता पार्टी को और आपको, अगर भारतीय जनता पार्टी को, पत्तलकारों को, चरण चुंबक मीडिया को, किसी को भी लगता है, ट्रोल्स को लगता है कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत बोला, तो मैं तो चुनौती के साथ कह रही हूं उनको सदन में बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, वो तो बार बार सदन में बोलने मतलब का आप कह रही है, बीजेपी को गलत सुनाई दे रहा है, मीडिया को गलत सुनाई दे रहा है, देश की जनता को गलत सुनाई दे रहा है। लेकिन ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। गौरव भाटिया, आप लगातार हाथ खड़ा कर रहे थे, लेकिन मैं आपको मौका दूंगा ब्रेक के बाद। लगातार आप आपका हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं आपको मौका दूंगा एक